हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पार्थेश पारे। टुडे वी टॉक अबाउट दी चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, एंड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ओके, सो द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स परमिट अस अ प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दिस इज शोन ऑफ बोथ फॉर द बार मैग्नेट एंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इन फिगर 5.3। ओके, सी दिस इन फिगर वी कैन क्लियरली सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फॉर सोलेनॉइड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर टू चार्जेस सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनॉइड फॉर्म अ कंटिन्यूस क्लोज लूप। This is unlike the electric dipole where this field lines begin from positive charge, see this positive charge, and the end of the negative charge, or escape to infinity, see this. This is going to infinity and coming from the positive charge and entering through the negative charge. Okay, and in these magnetic field lines in bar magnet and leaving from the north pole and entering through the south pole. Okay, same as in solenoid also. And the second properties of the magnetic field line, that is the tangent of the field lines at a given point represent the direction of the net magnetic field at that point. So now we draw the tangent through the magnetic field line, see this. So it gives the direction, it gives the direction of the net magnetic field. Okay, now the third properties of the magnetic field line, that is the larger the number of magnetic field line crossing per unit area, the stronger is the magnitude of the magnetic field. Okay, so yahan pe kya hai ki dekho, magnetic field lines jo hai wo yahan pe zyada hai, dekho greater than hai, kyunki yahan pe maine ek gaussian surface li hai, to yahan se jo लाइंस जो है बाहर निकल रही है वो क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ एंटर जो हो रही है वो क्या है, कम है फॉर पर्टिकुलर दिस एरिया. ओके, सी दिस. सो द थर्ड प्रॉपर्टीज इज दैट द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बी इज लार्जर अराउंड द रीजन 2 देन द रीजन 1, सी दिस. यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लार्जर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब पोल पे, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पास आउट कितनी हो रही है, कम हो रही है, इसलिए. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट. ओके, फॉर इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट टू बी यूनिक एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. ओके, one can plot the magnetic field lines in a variety of ways. One way is to place the small magnetic compass needle at a various position and note its orientation. This gives the idea of the magnetic field direction at the various point in the space. Okay, so this is how we can characterize the magnetic field line in different way. Now we talk about the bar magnet as an equivalent solenoid. So we know that the magnetic dipole moment associated with the current loop was defined to m equals to nia, where n is the number of turns in a loop, I is the current, and a is the area vector. Okay, so in this figure we have defined one solenoid. Okay, it consists of number of turns per unit length. Let its length to be 2l. Iski length suppose kya hai, 2l hai. Okay, नाउ एंड रेडियस, दैट इज रेडियस इज सपोज ए, रेडियस क्या है इसकी, ए है. वी कैन इवेल्युएट द एक्सियल फील्ड एट पॉइंट पी. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट और कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट, एट सम एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस सोलेनॉइड. ओके, सो हियर वी कैन इवेल्युएट द एक्सियल फील्ड एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर. सो इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, दैट इज आर. ओके, to do this consider a circular element thickness of dx
एंड आई बी द करंट इन द सोलेनॉइड. ओके, सो यहाँ पे एज्यूम क्या किया है, देखो dx जितनी ठीक लेंथ वाली एक सर्कुलर लूप एज्यूम की है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, x जितना है. ओके, कितना है, x जितना है. देखो, लेट द सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट लेंथ एंड इट्स लेंथ टू बी 2L. ओके, दिस इज हाउ 2L एंड रेडियस इज a. वी कैन इवेल्युएट द एक्सियल फील्ड एट पॉइंट p एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड. ओके, कंसिडर सर्कुलर एलिमेंट ऑफ अ थिकनेस dx, ऑफ अ थिकनेस dx ऑफ द सोलेनॉइड एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, और फ्रॉम द सेंटर. इट कंसिस्ट ऑफ द n dx टर्न्स, obviously it consists of n dx turns, and let I be the current in this solenoid. The magnitude of the field at a point due to the circular element, that is dB, equals to mu naught n dx I a square divided by 2 in bracket r minus x square plus a square raised to 3/2. This is coming from the, so this formula we already derived in previous chapters. Okay, that is the circular loop produce magnetic field at some distance, that is mu naught n dx I a square divided by 2 into in bracket r minus x whole square plus a square raised to 3/2. Okay, so the magnitude of the total magnetic field is obtained by the summing over all the elements, means integrating from minus L to plus L. Okay, now we integrate this equation. Okay, from minus L to, यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ सपोज क्या है, यहाँ से इस ओरिजिन से, डेट इज माइनस L, और यहाँ से क्या है, पॉजिटिव प्लस L. ओके, नाउ वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. सो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट, नाउ इंटीग्रेट माइनस L टू प्लस L डी एक्स डिवाइड बाई इन ब्रैकेट आर माइनस एक्स होल स्क्वायर सॉरी आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2. नाउ कंसिडर फार एक्सियल फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड. सो यहाँ पे जो ये एक्सियल पॉइंट जो है, जहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो क्या है, बहुत ही फार है बराबर सोलेनॉइड से. सो हम क्या करेंगे, इसको r इज ग्रेटर देन a लिखेंगे एंड r इज ग्रेटर देन ऑफ द सोलेनॉइड लेंथ. तो इसको a को और l को निगलेक्ट करेंगे यहाँ पे. ओके, डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में. ओके, सो क्या मिल जाएगा, देखो ये x को जीरो कर दो, a को जीरो कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर रेस टू 3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, आंसर आर क्यूब डिनोमिनेटर में बराबर. सो ये यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू, तो क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2r³ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल टू प्लस एल एंड डी एक्स. सो अभी इसका अभी क्या करो, इंटीग्रेशन करो डी एक्स का, तो क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या मिलेगा, एल माइनस माइनस टू एल सॉरी एल माइनस माइनस एल डेट इज 2L. सो यहाँ पे ये जो ऊपर की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको क्या करो, 2π से मल्टीप्लाई करना है, 2π से डिवाइड करना है. ओके, सो वो कैसे करोगे देखो, बट नाउ वी नो दैट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला, दैट इज m इक्वल्स टू एन आई ए. सो n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड एन. तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, यहाँ पे 2π से मल्टीप्लाई करेंगे, 2π को डिवाइड करेंगे बराबर, ये पूरे फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया उससे. तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर ये जो टर्म है पूरी सारी मिल जाएगी, तो उसको ये पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं m से, क्योंकि वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है इसलिए. ओके, सो फाइनली क्या आएगा आंसर, 2m अपन 4πr³. ओके, सो दैट इज अवर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट. So this is also the far axial magnetic field of a bar magnet, which one may obtain experimentally. So thus the bar magnet, a solenoid, produces a similar magnetic. Now we talk about the Gauss law. So we know that the Gauss law for electrostatic, that is E into ds into q by epsilon naught. So charge enclosed by the any closed surface is equal to q into epsilon naught. Okay. So total flux coming out through the surface, that is phi is equal to E into ds is equal to q by epsilon naught for electrostatic field. ये हमें पता है already, okay? Chapter 1 में कर गए थे. Now we talk about the Gauss law for magnetism. So magnetism में क्या आएगा देखो, B into ds, E को replace करेंगे B से, B into ds is equal to 0.
सो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दी सरफेस दैट इज जीरो. वाई? बिकॉज देर इज नो चार्ज हियर. इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, चार्ज एनक्लोज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई प्रकार का चार्ज नहीं है. ओके, यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई प्रकार का चार्ज प्रेजेंट नहीं है इसलिए. ओके, सो तो यहाँ पे देखो कोई फिगर ड्रॉ की हुई है. फिगर में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. ओके, अंदर सपोज कोई मैंने कॉन्ट्रोल सरफेस ले ली, बराबर. सो उसका एरिया वेक्टर क्या है, सपोज एन कैप. ओके, और ये क्या है, डेल्टा एस है. सो ये कोई एंगल बना रहा है, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एरिया वेक्टर थीटा. सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, दैट इज बी इनटू डेल्टा एस. सो द स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट डेल्टा एस ऑफ अ क्लोज सरफेस एस दैट इज इन दिस फिगर, ये क्या है, डेल्टा एस है, स्मॉल डेल्टा एस. ओके, सो द नेट फ्लक्स फाइ बी इज इक्वल टू सिग्मा ऑल डेल्टा फाइ बी. सबका क्या करना पड़ेगा, मुझे समेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या आएगा, जीरो आएगा. यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा. सो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो. ओके, तो ऐसा हम प्रूफ कर सकते हैं गॉस लॉ में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ये इक्वेशन अप्लाई होगा, बराबर. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, बराबर, बी ई इंटू डी एस.